गाड़ियों से बांध बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? And we'll... हाथ देखकर फ्यूचर बताने के साथ साथ टोन सुनकर पास भी बता देते हो क्या? अब इनकी डेथ की वजह, जगह और तारीख भी बता दो। तो दोस्तों, किसने सोचा था कि एक 23 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली बॉलीवुड की छोटी सी फिल्म साउथ की पैन इंडिया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देगी और 350 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली राधेश्याम को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई इस हफ्ते की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के शुरुआती 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और इस फिल्म का कंपैरिजन करने वाले हैं इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म राधेश्याम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन दोनों ही फिल्मों में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म का कलेक्शन ज्यादा रहा है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बाजी किसने मारी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार प्रभास के डाहाट फैंस हैं और द कश्मीर फाइल का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म राधेश्याम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल लगभग 10,000 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। दोस्तों, राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए का है, जो कि विजुअली तो काफी बेहतरीन फिल्म है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी को ऑडियंस कुछ खास पसंद नहीं कर रही। प्रभास के अलावा दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको ब्यूटीफुल पूजा हेगड़े और जगपति बाबू भी नजर आने वाले हैं और दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज पाए हैं। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी में जहां नेट में जहां 4.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, वहीं दोस्तों ग्रॉस में ये फिल्म 6 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही। इस फिल्म का दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन का कलेक्शन 79 करोड़ रुपए का रहा, जो कि दोस्तों एक तरह से आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है और इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के पहले दिन के कलेक्शन को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को रिव्यूज कैसे भी मिले, सुपरस्टार प्रभास की ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के जो सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आ रहे हैं वो भी काफी शानदार है। आज भी दोस्तों इस फिल्म को मॉर्निंग से ही 35-40% की ऑक्यूपेंसी हासिल हुई है, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग ऑक्यूपेंसी है। आफ्टरनून में दोस्तों इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी काफी अच्छी रही, वहीं शाम को दोस्तों इस फिल्म के ज्यादातर शो हाउसफुल है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 35-40 करोड़ रुपए कमा रही है, वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 2 ही दिनों का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 124 करोड़ रुपए का हो चुका होगा और सुपरस्टार प्रभास की ये फिल्म अपने शुरुआती 2 दिनों के कलेक्शंस के हिसाब से एक हिट फिल्म बनने जा रही है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों इस हफ्ते रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल और कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री को दिखाती हुई द कश्मीर फाइल्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि ऑडियंस को रुलाने पर मजबूर कर देती है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनने वाली ड्रामा फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 600 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और 4.5 करोड़ रुपए की कमाई वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कर ली थी। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिले, क्रिटिक्स ने भी दोस्तों इस फिल्म को 5 में से 4 और 5 में से 5 स्टार दिए, वहीं दोस्तों ऑडियंस ने इस फिल्म को अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म बताया है और यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने दूसरे दिन भी काफी शानदार कमाई करती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से दोस्तों इस फिल्म की स्क्रीन्स को बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह से ऑडियंस का सपोर्ट यहां पर कश्मीर फाइल्स को मिल रहा है, यह फिल्म दोस्तों अपने दूसरे दिन राधेश्याम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी आगे निकल रही है। दोस्तों बता दें आपको कि आज मॉर्निंग से ही इस फिल्म को 50% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी हासिल हो रही थी, वहीं दोस्तों इवनिंग शो और शाम के जितने भी शोज हैं वो सभी इस फिल्म के हाउसफुल है। आज दोस्तों इस फिल्म का कलेक्शन अपने पहले दिन से भी ज्यादा निकल कर आ रहा है और यह फिल्म हिंदी में अपने दूसरे दिन 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है, वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आज का इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 8 करोड़ रुपए को पार कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12.5 करोड़ रुपए का हो चुका होगा और अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती सर की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 2 ही दिनों में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी होगी। आज के कलेक्शंस के हिसाब से देखा जाए तो द कश्मीर फाइल्स इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में राधेश्याम से आगे निकल चुकी है। वहीं अगर बात की जाए इन दोनों के ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों राधेश्याम का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो काफी बेहतरीन रहा है। आपको दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।